भैया जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हुए हैं, ये मांग भी उन लोगों से रहे हैं जो खुद दुखी हैं, जो मंदिर के अंदर भगवान से मांगने जा रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है, आप बाहर मांग रहे हो, हम लोग अंदर मांग रहे हैं। दोनों ही भिखारी हैं साहब, दोनों ही दुखी हैं। और वास्तव में भगवान अमीर नहीं बनाता किसी को, आपके कर्म और आपकी मेहनत बनाते हो। अगर आपको अमीर बनना है ना, मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को भगवान अमीर क्यों नहीं बना देता? अगर भगवान सबकी सुनता है तो, अगर भगवान सबकी सुनता है तो मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को भगवान अमीर क्यों नहीं बना देता? सबसे पहले ये चीज समझनी होगी, क्या वास्तव में भगवान लोगों को अमीर बना देता है? क्या वास्तव में भगवान लोगों को अमीर बना देता है? अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है कि बहुत कुछ दिया है मुझे भगवान ने, मेरी किस्मत बदल दी है भगवान ने, मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, आज जो भी है सब भगवान ने दिया है। देखिए, ये आपकी समझ का फर्क है केवल, ये आपकी श्रद्धा बोलो, विश्वास बोलो, कुछ भी बोलो, मगर वास्तविकता कुछ और है। अगर भगवान लोगों को अमीर कर रहा होता, भगवान लोगों को अमीर बना रहा होता, तो फिर ये देश में भिखारी कहां से आ रहे हैं जो मंदिरों के बाहर बैठते हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर बैठते हैं, फ्लाईओवर के नीचे बैठते हैं? और भैया, ये भिखारी आज के थोड़ी है, इनका इतिहास अगर आप उठा के देखें तो 1947 के बाद से ही देश में भिखारी शुरू हो गए, और आज भी देश में 400,000 से ज्यादा भिखारी हैं। और ये भी बड़े चलाक होते हैं साहब, इनमें भी अलग तरीके के भिखारी होते हैं। दरअसल में क्वेश्चन आता है कि ये भिखारी बनते क्यों हैं, भिखारी हैं क्यों देश में? चलिए मानते हैं 1947 में देश की हालत बड़ी दयनीय थी, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था साहब, लोग बिछड़ गए, किसी के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, तो भिखारी बन गए। मगर आज की स्थिति अलग है साहब, आज वो लोग भी भिखारी बने हुए हैं जिनके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं। जानते हो किस लिए? क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते साहब। घर में चार लोग हैं और चारों के चारों भिखारी हैं साहब। जानते हो किस लिए? क्योंकि एक दिन का 100 रुपया मिलता है, कमा लेते हैं, तो चार जने कमा रहे हैं 400 रुपया, और महीने का हो गया 12,000 प्लस खाना वाना भी। अब 12,000 रुपये महीना आ रहा है तो उसमें गुजारा चल भी रहा है, क्योंकि कंफर्ट जोन है, कुछ अच्छा करना ही नहीं है। अब ये लोग मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं, आते जाते लोगों से मांगते हैं, और इन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी बिल्कुल चक चल रही है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भगवान इन भिखारियों को अमीर क्यों नहीं बना देता? दिक्कत यह है कि भगवान ना किसी को अमीर बनाता है, ना किसी को गरीब बनाता है। ये आपके कर्म होते हैं, आपकी मेहनत होती है जो आपको अमीर और गरीब बनाता है। समझ रहे हैं आप? यही बात दोबारा बोल रहा हूं, भगवान ना किसी को दुख देता है, भगवान ना किसी को सुख देता है। उसकी कर्म, उसके मेहनत जो वो करके आया है, वही उसको सुख दुख देती रहते हैं सब। समझ रहे हैं आप इस चीज को? हाँ, भगवान तो केवल आपके कर्मों में थोड़ा हेर फेर कर सकता है, आपको डिस्काउंट दे सकता है, अगर आप उसको रिझा रहे हो, अगर आप उसकी भक्ति कर रहे हो भाव से। भगवान किसी को अमीर नहीं बनाता। और ये मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी मांग भी उन लोगों से रहे हैं जो दुखी हैं, जो खुद मांगने के लिए मंदिर में जा रहे हैं, उनसे तो ये मांग रहे हैं। भैया जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हुए हैं, ये मांग भी उन लोगों से रहे हैं जो खुद दुखी हैं, जो मंदिर के अंदर भगवान से मांगने जा रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है, आप बाहर मांग रहे हो, हम लोग अंदर मांग रहे हैं। दोनों ही भिखारी हैं साहब, दोनों ही दुखी हैं। और वास्तव में भगवान अमीर नहीं बनाता किसी को, आपके कर्म और आपकी मेहनत बनाते हो। अगर आपको अमीर बनना है ना, तो एक जगह बैठे मत रहिए, उठिए, मेहनत करिए। बेशक भगवान को मत मानिए, बड़ा मेहनत करिए शिद्दत से, तो आप देखेंगे आपके सपने पूरे हो रहे हैं। तो ये बात यहां पर गलत होती है कि भगवान लोगों को अमीर बना देता है, भगवान लोगों की जिंदगियां बदल देता है। आपके कर्म, आपकी मेहनत, पहले आपको वो करने होंगे, तब भगवान का चमत्कार होएगा। क्योंकि भगवान खुद बोल रहा है कि पहले खुद कुछ कर, तब मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, केवल बैठ जाएंगे, मांगते रहेंगे लोगों से, तो फिर एक केला और 10 रुपए का नोट मिलने वाला है। मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन में।
तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज।